शौर्य और अनोखी की कहानी का वो आखिरी एपिसोड देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें शौर्य और अनोखी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। शो के सभी फैंस इंतजार कर रहे हैं इन दोनों के एक होने का। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी मुसीबत तैयार रहती है शौर्य और अनोखी की जिंदगी में दस्तक देने के लिए। वेल, ऐसे में अब इन सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड होने वाला है और अनोखी शौर्य एक दूसरे के साथ आने वाले हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि शौर्य को देवी का सच पता चलेगा, जिसके बाद शौर्य देवी को पहले काफ़ी गुस्सा करेगा और उसके बाद उसे समझाएगा कि परिवार के एक साथ रहने में ही सबकी भलाई है। अगर देवी शौर्य की खुशी चाहती हैं तो उन्हें अनोखी और आस्था को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना ही होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आस्था अनोखी शौर्य की ज़िंदगी में आ जाएंगे तो देवी की अहमियत कम हो जाएगी। हमेशा देवी शौर्य के लिए उसकी बड़ी माँ ही रहेंगी। हमेशा शौर्य अपनी बड़ी माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा और उन्हें सारी बातें शेयर करेगा। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या देवी को शौर्य की ये शर्त स्वीकार होगी। वहीं अब आप देखेंगे अनोखी और शौर्य का नया सफर शुरू होते हुए। पति पत्नी के तौर पर नजर आएंगे बहुत जल्द शौर्य और अनोखी। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे आहिर कहानी का नया विलन बनने वाला है, क्योंकि आहिर अनोखी से प्यार करता है और ये बात तो सभी जानते हैं। आहिर अनोखी से अपने प्यार का इजहार भी करेगा, लेकिन अनोखी आहिर के इस प्रपोजल को ठुकरा देगी। जाहिर सी बात है कि शादी हो जाने के बाद अनोखी आहिर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस बात का भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है अनोखी शौर्य और आहिर के रिश्ते पर। इंतजार रहेगा सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।